गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ योर साइंस टीचर एंड टूडे इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 4. ओपन पेज नंबर 38. हियर गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश. मैच देम. फूड आइटम्स आर मिल्क, कुक्ड राइस, ग्रीन कोरिएंडर, अनियन, गार्लिक. मिल्क, हाउ कैन वी प्रिजर्व इट? वी कैन प्रिजर्व इट by boiling, so match it with boil it. Cooked rice, put in a bowl and keep the bowl in a container with some water. Cooked rice, जो पके हुए rice हैं उसे preserve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जो rice का bowl है उसे water से भरे container में रख सकते हैं. इससे क्या होगा, temperature maintain रहेगा, जो rice है वो fresh रहेगा. Green coriander, जो धनिया पत्ता होता है उसे कैसे सेफ रख सकते हैं. रैप इन अ डैम्प क्लोथ, उसे हम गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, तो मैच इट विद रैप इन अ डैम्प क्लोथ. इस तरह से जो ग्रीन कोरिएंडर है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा. अनियन, गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस. अनियन एंड गार्लिक को हम प्रिजर्व करते हैं ड्राई एरिया में, सूखी जगह पर रखते हैं, खुली जगह पर रखते हैं. डू इट इन योर बुक. नाउ समा ट्रीट मामिडी टेंड्रा. जो मामिडी टेंड्रा है ये आम पापड़ है. हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हियर अ स्टोरी इज गिवन बाई विच यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आम पापड़ और मामिडी टेंड्रा. दिस स्टोरी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अतरपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू ये दोनों आंध्र प्रदेश के अतरपुरम टाउन में रहते हैं. द बोदास स्पेंड द समर होलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. ये दोनों भाई अपने समर होलीडेज जो आम के बाग हैं उनमें खेलते हुए बिताते हैं, जहाँ पर जो आम के पेड़ हैं वो फलों से भरे रहते हैं. दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगो विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर. और वो कच्चे आम भी खाते हैं सॉल्ट एंड चिली पाउडर, यानी नमक मिर्च लगा करके वो कच्चे आम खाते हैं. आपको भी पसंद होगा. एट होम द मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. और उनके घर पर उनकी मदर जो कच्चे आम हैं उनसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेसिपीज़ बनाती हैं. शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. और वो कई तरह के मैंगो पिकल यानी आम के अचार भी बनाती हैं. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. और वो जो आम का अचार है वो पूरे ईयर चलता है जब तक नेक्स्ट सीज़न भी आ जाता है मैंगो का, यानी पूरे ईयर आम का पिकल खाया जाता है. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज मेक सम मामिडी टेंड्रा आम पापड़ फ्रॉम देम. एक शाम जब वो फूड खा रहे थे, खाना खा रहे थे, चिन्ना बाबू अपनी अम्मा से पूछते हैं हमारे पास इतने आम हैं तो हम क्यों ना मामिडी टेंड्रा बनाएं, आम पापड़ बनाएं. देयर फादर सेड, उनके फादर क्या कहते हैं, मेकिंग मामिडी टेंड्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क. जो मामिडी टेंड्रा है यानी आम पापड़ है उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है 4 वीक्स तक, यानी पूरे 1 मंथ तक. इफ़ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी टेंड्रा. अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम अगले 4 वीक्स तक हमारी हेल्प करोगे तो हम मामिडी टेंड्रा साथ में मिलकर बनाएंगे. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प. दोनों भाई हेल्प करने के लिए मान जाते हैं. द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद योर फादर. अगले दिन दोनों भाई अपने फादर के साथ मार्केट जाते हैं. दे बोट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री. एक मैट खरीदते हैं वो जो पाम ट्री की बनी हुई होती है. पोल्स ऑफ कैजोरीना ट्री, और कैजोरीना ट्री के वो पोल्स लेते हैं यानी लाठी लेते हैं. स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और कोकोनट से बनी हुई स्ट्रिंग रस्सी लेते हैं. सम जैगरी एंड सुगर. मार्केट से उन्होंने जैगरी और सुगर भी लिया, यानी मैंगोज तो उनके पास हैं और बाकी चीज़ें वो मार्केट से ख़रीदते हैं. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. अब वो अपने आंगन में एक धूप वाली जगह ढूंढती हैं. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाई यूजिंग पोल्स. जो उन्होंने ट्री के पोल्स लिए थे, लाठी ली थी, उनसे वो ऊंची सी जगह बनाते हैं.
स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, और उस ऊंची जगह पर वो मैट को फैलाते हैं और उसे बांध देते हैं, यानी ऊंचाई पर उसे रखा जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, जो अप्पा हैं उनके फादर हैं, राइप मैंगोज कलेक्ट करते हैं। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इंटू अ लार्ज पॉट, और बड़े से बर्तन में उन सारे मैंगोज का पल्प निकाल लेते हैं, गूदा निकाल लेते हैं। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ, और मसलिन क्लोथ यानी मलमल के कपड़े से, यानी कपड़े में से वो पल्प को छानते हैं। टू रिमूव द फाइबर्स, क्योंकि मैंगो में धागे जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, फाइबर होते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए उन्हें छाना जाता है, तो पल्प से वो फाइबर्स को रिमूव करने के लिए उन्हें छानते हैं। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़, तो चिट्टी बाबू इतनी देर में गुड़ को क्रश करता है, बारीक पीसता है, टिल देयर वर नो लम्प्स, जिससे उस गुड़ मोटा ना रहे। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स टू द पल्प, अब वो पल्प में इक्वल अमाउंट में शुगर और जैगरी मिलाते हैं, कुछ गुड़ और कुछ चीनी मिलाते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून, और चिन्ना बाबू क्या करता है, जैगरी एंड शुगर को जो इक्वल अमाउंट में है उन्हें बड़े स्पून से मिक्स करता है। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इंटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, फिर अम्मा क्या करती हैं, जो पल्प है उसमें शुगर और जैगरी मिला दिया गया है, तो उस पल्प को उस मैट पर वो फैलाती हैं, एक पतली सी लेयर बनाती हैं। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, अब उसे पतली सी लेयर को छोड़ दिया जाता है धूप में सूखने के लिए। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन सारी टू अवॉइड एनी डस्ट, और जब वो सूख जाती है शाम में, उसके ऊपर से एक साफ क्लीन साड़ी यानी साफ कपड़ा उसे ढक दिया जाता है, जिससे कि उसे कोई डस्ट ना लगे, उस पर धूल जमा ना हो जाए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन वो और मैंगो पल्प निकालते हैं और जैगरी एंड शुगर इसमें मिक्स करते हैं। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और जो कल उन्होंने लेयर बनाई थी उसके ऊपर ही एक दूसरी लेयर बनाते हैं। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, इस बार इन दोनों भाइयों को ये काम दिया जाता है। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट फॉर द नेक्स्ट 4 weeks, दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, अगले 4 weeks तक, अगले 4 हफ्तों तक वो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि वो जो मैट थी वो वहीं पर रहती थी, ढाकर नहीं ले जाया जाता था, उसे वहीं पर ढक देते थे, अगर रेन आ जाती तो वो बेकार हो जाती, तो वो दुआ करते हैं कि बारिश ना आए। फोर वीक्स, 4 हफ्तों तक दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक, और वो 4 हफ्तों तक लगातार एक के बाद एक लेयर लगाते रहते हैं, जब तक कि जेली 4 सेंटीमीटर मोटी ना हो जाए और गोल्डन केक की तरह ना लगने लगे। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड, कुछ दिन बाद अम्मा कहती हैं, द मैमिडी टेंड्रा इज़ रेडी, अब मैमिडी टेंड्रा यानी आम पापड़ तैयार हो गया है, वी कैन टेक इट आउट, हम इसे निकाल सकते हैं, एंड कट इट इंटू पीसेज टुमोरो, और कल हम इसे पीसेज में कट करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वाज ब्रोट डाउन, मैट को नीचे उतारा गया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उस जगह से जो ऊंची जगह बनाई गई थी पोल्स की हेल्प से, जो लकड़ी थी उनसे प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस पर से मैट को उतारा जाता है। मैमिडी टेंड्रा वॉज कट इंटू स्मॉलर पीसेस, अब आम पापड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, और दोनों भाई उसे खाते हैं, चखते हैं, इट वॉज टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी है। चिन्ना बाबू सेड, चिन्ना बाबू कहता है, वाओ हाउ टेस्टी, कितना टेस्टी है, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों ने इसे बनाने में हेल्प की है। वो सारा क्रेडिट खुद को देते हैं कि हमने इसमें हेल्प की, इसलिए ये बहुत टेस्टी बना है। और ये मैमिडी टेंड्रा जो है आम पापड़ है, उसे पूरे ईयर तक खाया जा सकता है, प्रिजर्व करके रख सकते हैं कूल एंड ड्राई प्लेस पर। जो इस चैप्टर का नेम है मैंगोज राउंड द ईयर, तो इस तरह से हम मैंगो को पूरे ईयर खा सकते हैं। ये समर सीज़न होता है जब फ्रूट्स आते हैं मैंगो ट्री पर, बट हम इसे प्रिजर्व करके रख लेते हैं, पिकल बना करके, आम पापड़ बना करके, जैम बना करके, यानी मुरब्बा बना करके, तरह तरह से प्रिजर्व कर लेते हैं और हम पूरे ईयर इसे खा सकते हैं।
Now chapter is completed. Hope you understand well. Thank you. Have a nice day.